ओआईसी ने सुषमा को मेहमान बनाया, मौकिफ फिर भी पाकिस्तान का अपनाया। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, भारत को फिर बहुत बड़ी सुबकी। भारतीय वजीर खारजा की शिरकत के बावजूद इजलास में कश्मीरियों की हिमायत में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। दूसरी करारदाद में पाकिस्तानी हदूद में भारतीय दरअंदाजी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाजा जम्मू कश्मीर है। ओआईसी की करारदाद का मतन, मजीद कहा गया कि अम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुजीर है। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तर्जुमाने दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान को ओआईसी आजाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन का रुकन भी मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ओआईसी के अगले इजलास का मेजबान होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ओआईसी इजलास में कश्मीर पर करारदाद की मंजूरी पर खुशी है। करारदादें पाइपलाइन में थीं। हमारा बायकॉट ओआईसी से नहीं, सुषमा स्वराज की मौजूदगी पर एतराज था। सऊदी वजीर खारजा जब मर्जी पाकिस्तान आए, ये उनका घर है। भारत की फौज का मोराल, तारीख का बदतरीन डाउनफॉल। बरतानवी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट, भारतीय फौज का मोराल इतना गिर चुका कि कोई बड़ी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं रही। इम्तियाजी सलूक डाउनफॉल की बड़ी वजह, ऑफिसर और सिपाही में एहतराम का रिश्ता खत्म हो चुका। ऑफिसर पुरतायुश जिंदगी गुजारते, सिपाही के लिए सहूलियात का फुकदान है। बढ़ती खुदकुशियाँ और नफरी की कमी भी अहम वजूहत। खैर सगाली के जवाब में भारतीय गोलाबारी, दो फौजियों समेत चार पाकिस्तानी शहीद, दो जख्मी। भारतीय फौज ने नकियाल, तत्तापानी और चंदरोट में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी वासिले जहन्नुम, 32 जख्मी। दिफाए वतन के मुकद्दस फरीजे में शहीद होने वाले दो जवानों के जस्दे खाकी आबाई इलाके पहुंचा दिए गए। डेरा गाजी खान पहुंचने पर शहीद हवालदार अब्दुल रब और नायक खुरम अली के जस्दे खाकी पर गुलपाशी की गई। अहले इलाका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे, दोनों शहदा की नमाज जनाजा आज सपहर 3 बजे अदा की जाएगी। भारत की एहसान फरामोशी, बदले में शरंगेजी और जफाकोशी। बमबारी के लिए आने वाला जिंदा सलामत वापस गया, गलती से सरहद पार करने वाले की लाश आ गई। भारत में बेगुनाह शहीद किए गए शाकिरुल्लाह का जस्दे खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। जस्दे खाकी सियालकोट में आबाई गांव मुंतकिल, नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। कशीदगी के खात्मे में रुकावट, भारतीय हटधर्मी। सऊदी अरब को भी अपनी कोशिशों में नाकामी। सऊदी वजीर मुमलकत खारजा उमूर का भारत और पाकिस्तान का दौरा मुलतवी। सिफारती जराए के मुताबिक आदिल अल जुबैर को हफ्ते को नई दिल्ली और आज इस्लामाबाद आना था, दौरा एक हफ्ते के लिए मौखर किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल नहीं। रूस में भारतीय सफीर का इंटरव्यू। कहा, अभी तक किसी मुल्क ने सालिसी की पेशकश नहीं की, रूस या किसी दूसरे मुल्क की सालिसी की जरूरत नहीं। सूरत हाल पहले ही तेजी से मुस्तहकम हो रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान भारतीयों को इत्तलात फराहम कर रहा है। साबिक भारतीय जनरल का एतराफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एचएस पिनाक का कहना है, भारतीय तर्जुमान नहीं बताते कि क्या हो रहा है। सूरतेहाल का पाकिस्तानी डीजीआईएसपीआर से पता चलता है।
फेसबुक वॉरियर्स प्लीज वॉर लड़ना सोशल मीडिया का बंद कर दो, इससे कुछ नहीं आना। अगर इतना जोश है तो जाओ, जाके फौज ज्वाइन करो और करके देखो कि कैसा लगता है। आपको नहीं पता कि वॉर में क्या नुकसान होता है। वी डू नॉट वॉन्ट वॉर। हलाक होने वाले दूसरे पायलट की बेवा का भारतीयों को अमन का मशवरा। वीडियो बयान में कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया के जंगजू बॉर्डर पर जाएं तो पता चले। मजीद बोली कि इसकी आखिरी बार 26 फरवरी को अपने शौहर से बात हुई। 27 तारीख को शौहर का मैसेज आया कि वो अभी मसरूफ है। भारत की खिफत मिटाने की कोशिशें, अभिनंदन की वीडियोस हटाने के लिए YouTube इंतजामिया से गुजारिशें। वीडियोस में भारतीय पायलट ने खूब की पाक फौज की तारीफें। भारत को दुनिया में उठाना पड़ रही है शर्मिंदगी की तकलीफें। तैयारा हो F-16, पायलट हो पाकिस्तानी शाहीन, तो मार गिराना अभिनंदनों के बस में नहीं। आलमी दिफाई माहिरीन और रिसर्चर्स ने भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे सफेद झूठ करार दे दिए। आलमी दिफाई माहिरीन ने हकाइक से साबित कर दिया कि मलबा भारतीय तैयारे MiG-21 का है। PIA का चार रोज बाद मुल्क के चार बड़े एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची से परवाजों की आमदोरफ। हुक्काम के मुताबिक वीजा मसाइल के सबब उम्रा जायरीन और खलीजी मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों को तरजीह दी जाएगी। ऑपरेशन की बंदिश के बाद 400 परवाजें और 25,000 मुसाफिर मुतासर हुए। अलामा इकबाल एयरपोर्ट की मजीद बंदिश की सूरत में PSL मैचेस लाहौर से मुंतकिल होने का खदशा। हुकूमत ने 4 मार्च तक लाहौर एयरपोर्ट बंद रखने का ऐलान किया। तर्जुमान PCB का कहना है एयरपोर्ट मजीद बंद रहा तो मैचेस मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। लाहौर में पहला मैच 9 मार्च को होना है। गुलबर्ग लाहौर में नैब का तहरीके इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के दफ्तर पर छापा। कारोबारी दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनी से मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी शामिल। अलीम खान के करीबी अजीज भी शामिल है तफ्तीश। अलीम खान ने नुमैर हमीद खान के अकाउंट के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। सिराज दौरानी के बैंक लॉकर से कई किलोग्राम सोना बरामद। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी नोट भी मिले। अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और अमाराती दिरहम शामिल। नैब की तरफ से बरामद करदा रकम की गिनती जारी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। कोयटा समेत कई इलाके मुतासर। कला अब्दुल्ला, हरनाई, तम, तुर्बत, हब, मस्तों, बोलान में सैलाबी रैले। कई सड़कें, पुल और गाड़ियां बह गईं। कई मकान भी मुनहदम। लसबेला, खुजदार और दीगर इलाकों में छतें गिरने से 3 अफराद जां बहक, कई जख्मी। मशीन में एक शख्स रेले में डूब गया। शिमाली वजीरस्तान में भी छत गिर गई, 3 बच्चे जां बहक। मुल्क के बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में मार्च में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। गलियात, सवाद, दीरबाला में भी बर्फ गिरी। उधर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में बारिश। बादल बरसने का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। और
बड़े शहर में बड़ा अदबी मेला, 10वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी खूब गहमा गहमी। अदब और सकाफत के रंग बिखर गए। लोक मौसीकी और खूबसूरत कव्वाली ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।